जय हिंद दोस्तों, पुणे पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे दारू पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे। दोस्तों, ये घटना पुणे के हड़पसर की है। आरोपी जो है वो हैबिचुअल ड्रिंकर है, यानी उसे शराब पीने की लत थी और वो अक्सर अपनी वाइफ से पैसे की डिमांड करते रहता था शराब पीने के लिए। तो ऐसा ही हुआ कि उसने अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन पत्नी ने उसे शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो दोनों के बीच बहस छिड़ गई। और इसी बीच उस आरोपी ने अपनी पत्नी पर पैन से हमला किया और कहीं ना कहीं उस महिला की दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार महिला उसके ही घर के बाहर खून से लथपथ पाई गई थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है और ये एक और हमें संदेश देता है कि शराब का नशा हो या कोई भी अलग ड्रग्स का नशा हो, इसमें आदमी इतना एडिक्ट हो जाता है कि अगर उसे वो मिलती नहीं है चीज, चाहे वो शराब हो या कोई भी ड्रग्स हो, तो आदमी अपनों पर ही हमला कर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि खूनी रंग भी ले लेते हैं ये हमले, जैसे इस केस में हुआ कि शराब के पैसे नहीं देने पर उसने अपनी पत्नी पर इतने जोर से हमला किया पैन से कि उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है पुणे की हड़पसर पुलिस ने, और 302 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।